अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस। मैं आज आपको देता हूँ तेरा दुबई का जो है वो टूर, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहा है, आखिरी अशरा है और धूप यहाँ पे बहुत होती है दिन में, और दिन में जो है निकल के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब टूर देने की बारी आती है तो आपको पता है फिर कि टूर में चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है दिन में। कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और ये भी भूल जाता हूँ कि मैंने माइक को जो है वो ऑन करना था। तो आज भी मैं अब जब इंट्रो बनाया तो मैं भूल गया था माइक को ऑन करना, अभी जाके जो है वो माइक ऑन किया। भाई देखें, पार्क में भी जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, ये सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, और जहाँ पे आप क्या कुछ जो है वो नहीं ला सकते पार्क में वो यहाँ पे मेंशन है, क्या चीज़ें आप ला सकते हैं वो भी मेंशन है। यहाँ पे देखें, आप बाईसाइकिल नहीं ला सकते, डॉग नहीं ला सकते, और स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, थूक नहीं फेंक सकते, नो स्पिटिंग, अडल्ट टू अटेंड देयर माइनर्स, ये ओके है। इसके अलावा आप यहाँ पे ना एनी वायलेशन शैल बी पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है जी। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये भी नहीं ला सकते। क्रिकेट नहीं खेल सकते, बिल्ली ला के उसको खाना नहीं खिला सकते, ठीक है। नो बारबेक्यू, आके इधर जो है मनोरंजन नहीं कर सकते। ये यहाँ पे जैसे आप पार्क में एंटर होंगे तो ये दुबई पब्लिक पार्क है, ठीक है, दुबई म्यूनसिपलिटी, और ये सारी चीज़ें मेंशन है और निगाह रखी जाती है भाई बहुत गहरी, और ये हैं कैमरे लगे हुए, ठीक है। तो इसीलिए दुबई जो है वो सेफ़ और सिक्योर है। ये अभी यहाँ पे सिग्नल जो है वो रेड है, तो इसलिए पीपल आर वेटिंग हेयर कि सिग्नल जो है वो ग्रीन हो तो उसके बाद जो है वो आगे जाया जाए। पहले मैं चलता हूँ वहाँ पे मोबाइल मार्केट, थोड़ा सा विज़िट करते हैं। सिग्नल जो है वो ग्रीन हो गया, अभी यहाँ से हम जो है रोड क्रॉस करके चलते हैं उस पार। भाई कानून की पासदारी जो है ना वो यहाँ पे मस्ट है, आपको रूल को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, वरना जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा जुर्माने हैं। खाली जो है वायलेट करेंगे, हम पैदल चलने का इशारा वायलेट करेंगे तो 500 दिरहम पाकिस्तानी तकरीबन 35,000 रुपये जो है आपको फ़ाइन, हो सकता नहीं होगा श्योर। तेरा की जो मोबाइल मार्केट है उसको हम विज़िट कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये है मोबाइल मार्केट, और S24 अल्ट्रा जो है वो मैं चाह रहा हूँ लेना, तो उसका भी पूछ लेंगे। S24 अल्ट्रा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको आईफोन जो है, आईफोन दुबई तेरा की सबसे बड़ी जो है मार्केट दुबई में, बल्कि जो है जहाँ से पूरे मतलब जनूबी एशिया या इंडिया पाकिस्तान इधर उधर जितने भी मोबाइल यहाँ से जाते हैं, जो आपको कराची में मिलते हैं, लाहौर में मिलते हैं सेल फोन, वो यहाँ इन शॉप से, इन मार्केट से जो है वो जाते हैं। यहाँ पे ये सैमसंग सीरीज़, इसके साथ यहाँ पे है जी आईफोन सीरीज़, और S24 अल्ट्रा का जो है वो भाई से पूछ लेते हैं। ये मेरे पीछे देखें आप, इस तरफ पूरे S23 S24 अल्ट्रा वगैरह जो है वो पड़े हैं, और ये जो है 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, नीचे वॉच, और वहाँ पे भी 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 30 के S23 अल्ट्रा जो है ये बेहतर रहेगा मे बी, क्योंकि इसका जो है वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भाई वीडियो जो है ना, हम ये देखें, ये HD FHD Ultra HD और 8K तक जो है वो वीडियो बना सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कमाल जो है इसका रिज़ल्ट है। और 200 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा है इसका, 200 मेगापिक्सल। तो मैंने फाइनली जो है वो सोच लिया है कि अब S23 अल्ट्रा जो है इसको भी यूज़ करके देखते हैं, और काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी कंपैरिजन किया है वन प्लस का और इसका, तो ये वन प्लस से थोड़ा आगे है। वन प्लस बुरा नहीं है, वन प्लस 11R बहुत अच्छा सेट है, AI लाइट है, रात में बड़ा मज़ा जो है वो करता है, बट S23 अल्ट्रा ये रिकमेंड किया मुझे किसी ने, मैंने आज चेक किया, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस सेट को जो है वो ज़रूर यूज़ करके देखें।
मैं बहुत चलता चलता भाईजान काफ़ी सारा जो है वो सफ़र करके आ गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला यार। अब मेरे सामने आ गई है हयात रेजेंसी, ये देखिए ये हयात रेजेंसी, सामने ये होटल है और ये बहुत एक्सपेंसिव होटल है, यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव। और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे आने का, मैं आया नहीं हूँ, बट जानता हूँ, मेरे दोस्त आते हैं और वो बताते हैं। मैं ऐसी जगह जो है बिल्कुल विज़िट नहीं करता जो मतलब 100 दिरहम में काम हो जाए तो हम 500 दिरहम में जाके करें, तो कभी भी ऐसा आपका भाई नहीं करता। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ जी शारा अल खलीज पे, इस तरफ अब हमें जो है वो जाना है, बट सिग्नल जो है वो वहाँ से हमें क्रॉस करना है। और इस तरफ का विज़िट ये हम नेक्स्ट करेंगे, कल जो है निकलेंगे इस तरफ। बहुत खूबसूरत जो है वो हैं पॉइंट घूमने फिरने वाले इस तरफ भी। और यहाँ से अभी जो है अल हयात रेजेंसी, यहाँ से हम जो है लेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट हो गए घूमते घूमते जो है वो हम चले जाएंगे जो है वापस, और तब तक जो है हमारा अफ्तारी का टाइम जो है वो भी हो जाए। डबल स्टोरी बसेस भाई यहाँ पे, ये तो आम सी बात है बस डबल स्टोरी बसों की। और भाग भाग के लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, सिग्नल जो है वो ग्रीन है, तो हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी जो है। ट्रैफिक में आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे भी ट्रैफिक का सीन जो है वो जैम वाला रहता है। ये मेन शारा है, इसके ऊपर आप देखें कहाँ तक जो है ट्रैफिक जाम है। अभी क्या खूब जो है गाड़ी यार बनाई हुई है। गाड़ी जरा दुल्हन की तरह तैयार की हुई है, क्या कमाल। दुबई ये होगा कम से कम 76 मॉडल, ये भी होगी जैसे पाकिस्तान में 76 मॉडल हैं, ये भी 76 ही है दुबई की। और सामने देखें कि होटल्स, ये सारे होटल्स हैं, ये पूरे लाइन के अंदर अल हयात रेजेंसी तक होटल ही होटल हैं यहाँ पे। आज जो है आप लोगों को मैंने जो है वो टूर देना है भाई देरा दुबई, जितना एरिया है ना उस सारे का। आपके भाई ने ये सोच के रखा हुआ है कि आज से हम 2 व्लॉग करेंगे, एक डे एक नाइट। डे व्लॉगिंग जो टूर करेंगे किसी एक एरिया का, और नाइट में मार्केट विज़िट किया करेंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट हैं भाई, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट फूड हैं, डिफरेंट पीपल हैं, तो रात में हम जो है मार्केट विज़िट करेंगे और दिन में हम ऐसे जो है आपको टूर दिया करेंगे। गाइस तो अफ्तारी का टाइम हो गया, अभी यहाँ पे हम करेंगे अफ्तारी। अफ्तारी बहुत अच्छी सी यहाँ पे हमें मिल गई है, ये देखें जी बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पे हैं, तो हम चूज़ कर लेते हैं अपने लिए कि हमने अफ्तारी में जो है वो क्या लेना है। पकौड़ा डाल दें प्लेट में डाल देना, इधर ही बैठ के, हाँ इधर बैठ जाऊँगा तो टू समोसास, दिस वन चिकन, ओके 2 समोसे इसमें डाल दें, और नहीं एग एग की कोई चीज़ नहीं लेनी, अंडे वाली कोई चीज़ नहीं लेनी। और दिस वन बनाना वन, दिस वन वन पीस, अभी एक पीस जो है ना बनाना वो फ्राई ले लेते हैं, ये वाला कट लीजिए। 2 पीस जो है वो बनानाज हो गए हमारे, पकौड़े हो गए हैं, 2 समोसाज हो गए हैं भाई। अफ्तारी के लिए जो है ना रश लग गया है, हमारा सामान तो वो जो है वो भूल गए हैं, वो बना के उन्होंने रख दिया है वहाँ पे, और इसमें कोई 1-2 चीज़ें और जो है वो ऐड करवा लेते हैं। अफ्तारी हमने अपनी ले ली है, बहुत ही मज़े की अफ्तारी भाई यहाँ से हमें मिल गई है। ये अब बैठने के लिए जो है ना वहाँ आउटसाइड बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, और यहाँ इनसाइड जो है ये भी हम, तो हम बाहर बैठेंगे यार खुले माहौल में चल के जो है वो बैठते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त जगह है, कितनी ब्यूटीफुल जो है
ये इस साइड पे लेफ्ट पे और यहाँ पे जो है राइट पे, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बैठते हैं। ये सारे जो है ना दोस्त, ये इफ्तारी के लिए यहाँ पे आए बैठे हैं, तो हम भी चले जाते हैं यहाँ पर। या मे बी किसी का सेल फोन पड़ा है। फ्रेंड्स, इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी हमारी रेडी है। माहौल में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त। ये भाइयों के साथ बैठ के जो है वो इफ्तारी करनी है इंशाल्लाह ताला। ये यहाँ पे टेबल, चीज़ें सारी रेडी, और मैं आपको दिखाता हूँ यार होटल के बाहर कितना आउट क्लास माहौल है। जो ये देखें क्या ब्यूटी है दुबई की भाई इफ्तारी की। बस मैं चलते चलते जो है वो यहाँ पे पहुँचा, तो इफ्तारी का टाइम हो गया। अभी वापस बनियास इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं एक दो मिनट में पहुँचूँ। तो ये है जी रेस्टोरेंट गाइस। अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है, और आज की अफ्तारी जो है ना ये यादगार अफ्तारी है मेरे लिए। जब मैं आया यहाँ पे तो अकेला था, बट जब अफ्तारी स्टार्ट की तो दो दोस्त और जो है वो मुझे मिल गए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे हैं जी उस्मान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं उस्मान साहब, आप बताएँ थोड़ा क्या करते हैं यहाँ दुबई में? जी सही माशाल्लाह। और मेरे राइट पे हैं जी आसफ़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आसफ़ साहब आप भी थोड़ा बताएं। मज़ीद क्या बताना है, यही कि अपना कबूल का काम है। जी जी बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह से। गुड हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। तो गाइस ये देखें, ये है इट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, ये मैं व्लॉग बनाते बनाते ही आया इस जगह पर, तो मुझे एक साइड पे बिजनेसमैन मिल गए और दूसरे साइड पे जो है ना डेंटिस्ट। तो अब दांतों का कोई मसला हुआ तो मैं उस्मान साहब मैंने आपसे रابطہ करना है अगर मुझे दांतों का कोई मसला हुआ तो। आसिफ भाई अगर मुझे बिज़नेस के लिए कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं आपसे जो है वो रابطہ करूँगा जी। थैंक यू सो मच गैस। इस ज़बरदस्त मॉल के साथ अफ्तारी होगी, इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।